नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में, जहां बात होगी चार बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चार तस्वीरों के साथ। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर संसद में गूंज रहे पेगासस वायरस को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमला बोला है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां कांग्रेस के भीतर दो महीने से गहराया सियासी संकट दूर होने के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां आखिरकार खींचतान के बाद सिद्धू की आज ताजपोशी हो चुकी है। तो चलिए सभी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही पेगासस वायरस का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने उनका फोन टेप कराए जाने के मुद्दे को लेकर पीएम पर कई गंभीर सवाल दागे और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका अथॉरिटी पीएम मोदी और गृह मंत्री ही कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है, ये मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने यह भी बोला कि सर आपका फोन टेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों को फोन कर बोला जाता है कि आप राहुल गांधी को ये बता दीजिए कि उन्होंने ये बात कही थी। मैं डरता नहीं हूं, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले बता दें, कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर फोन की कथित जासूसी कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की और पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च के साथ साथ जम्मू, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, पटना, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर, लखनऊ और देहरादून में धरना प्रदर्शन भी दिया था। तो बता दें एक बार फिर से, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है पेगासस वायरस को लेकर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही ये मुद्दा संसद में गूंज रहा है और कल भी देश के तमाम बड़े राज्यों में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था और आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा फोन टेप किया गया था और एक नहीं तीन से चार बार किया गया था और साथ ही गृह मंत्री अपना इस्तीफा भी दें और पीएम मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं ये भी कहा कि ये मेरा निजता का मामला नहीं है, बल्कि जनता की आवाज पर ये आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल किया गया है। तमाम आरोप हैं जो राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि हर रोजाना मॉनसून सत्र में भी पेगासस वायरस का मुद्दा गूंजता है और ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, जिसके बाद आज एक बार संसद के बाहर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग उनकी तरफ से की गई है। ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को
हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथोराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथोराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली दिस फोन, एवरी सिंगल फोन इज ऑफ माइन इज कैप। ओके, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, आई गेट फोन कॉल फ्रॉम आईबी पीपल हु टैप माय फोन। ओके, दे कॉल मी अप एंड से प्लीज बी अवेयर दैट आई एम टैपिंग योर फोन। ओके, सो आई ऑल्सो बाय द वे माई सिक्योरिटी पीपल टेल मी राइट that they have to debrief what I say. They have to report to their seniors everything I say. So I am under no pretension that I am not that. खेल हो या सियासी बाजी, जो दाव चल जाता है वो ट्रंप कार्ड कहलाता है और जो फेल हो जाता है वो मंथन शाला में चला जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कभी एक कार्ड खेला था जिसको ब्राह्मण कार्ड माना गया। यूपी की राजनीति में उनके इस दाव का ऐसा असर हुआ कि मायावती को पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी मिली और अब जबकि एक बार फिर सर पर विधानसभा चुनाव है और बसपा की विरोधी 3 में न 13 में मानकर उन्हें चल रही है, तो मायावती ने एक बार फिर यही पुराना तीर तरकश से निकाला है। मायावती ने पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से की जा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी की कोशिश ये बताने की होगी कि वो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र के अलावा पूर्व मंत्री नबुल दुबे और परेश मिश्र सहित कई ब्राह्मण नेता भी शामिल हुए। ब्राह्मण सम्मेलन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 14 अगस्त तक जारी रहेगा। बता दें कि अगला सम्मेलन प्रयागराज में किया जाएगा। अपना दलित और पिछड़ा वोट बैंक बचाने के लिए भी पार्टी सभाएं करेगी और जल्द ही बसपा प्रमुख की अध्यक्षता में योजना बनाकर सर्वसम्मान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हालांकि बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी कर दिया है। बता दें कि 23 जुलाई यानी कि आज से 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में इस गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कहां कब होगा आयोजन, बसपा के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी की शुरुआत अयोध्या से कर दी गई है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में, 26 जुलाई को इलाहाबाद, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो बता दें आज से बसपा की तरफ से सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जा चुका है और 29 जुलाई तक अलग अलग जगहों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, तमाम पार्टियां जो हैं वो कमर कसती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी अब एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि जब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब भी उन्होंने ब्राह्मणों को साधा था और उसी की बदौलत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। एक बार फिर से मायावती वही कार्ड खेलना चाह रही हैं और इसीलिए पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस आयोजन की आज अयोध्या से शुरुआत कर दी गई है और 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में जाकर अयोध्या के बाद अलग अलग जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। धर्म में कोई राजनीति नहीं करते हैं। धर्म में जो लोग राजनीति करते हैं उनकी सोच होती है कि हम इसमें किस तरह कार्यक्रम करें, क्या करें। हम भगवान राम पे आस्था रखते हैं, हम भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, हम भोले शंकर में, हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं
और हम सारे भगवानों पे आस्था रखते हैं और रामचंद्र जी के तो रोज सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं। तो अगर हमने कार्यक्रम सोचा है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करने का, तो आपके हमने सब भगवान श्री राम का अयोध्या में चल करके उनके रामलला के दर्शन करके अपना कार्यक्रम शुरू करें, उनका आशीर्वाद यहाँ से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन ये कि कार्यक्रम हम अपना एक पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे, तो इसके लिए हमने सोचा पहले हम भगवान श्री राम जी के चरणों में जा करके उनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे। इसमें कोई हम लोग राजनीति नहीं डालते हैं। अब तक तो राम भाजपा के राम हमारे हैं। नहीं देखिए, ये जो लोग सोचते हैं या कहते हैं ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं तो इससे आज संकीर्ण सोच, भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं, हम लोग तो सुबह उठ के पहले नित्य पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम चलू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पे लड़ेगी, कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। हाँ गठबंधन जरूर करेगी, किससे करेगी ये भी आपको हम खुलासा कर दें, गठबंधन यहाँ की जनता से करेगी, सर्व समाज से करें। और सर्व समाज से गठबंधन हमने किया है पहले, सन 2007 में भाईचारा बनाया सर्व समाज के साथ में और गठबंधन किया, और समूचे ब्राह्मण समाज ने गठबंधन में हमारा योगदान देते हुए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में, और जिस तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको तंग किया रहा है, वो परेशान है, वो अब की बार मन बना चुके हैं कि इन उन्होंने पहले हमको भी आजमाया, समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया जिसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना हुई, तो वो अब की बार मन बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने जा रहे हैं। और जब ब्राह्मण आता है तो आप जानते हैं सर्व समाज के। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर 2 महीने से गहराया सियासी संकट दूर होने के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। हरीश रावत के खेमे में चुनाव से पहले जीत और जश्न का माहौल है, क्योंकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस बार चुनाव की कमान हरीश रावत के हाथ में ही होगी। साथ ही अपने खास गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाकर हरीश रावत ने यह भी बता दिया है कि टिकटों के पैनल तैयार होने में भी हरदा की भूमिका रहेगी। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही गढ़वाल से होंगे। कांग्रेस की इस नई कहानी में प्रीतम सिंह का किरदार प्रदेश अध्यक्ष से बदलकर नेता प्रतिपक्ष में तब्दील कर दिया गया है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें भुवन कापड़ी का नाम भी शामिल किया गया है। कापड़ी को इसलिए मजबूत किया जा रहा है क्योंकि वो पिछला विधानसभा चुनाव मात्र 2500 वोटों से वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हारे थे और इसी खटीमा सीट से फिर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर हरीश रावत ने सियासी शतरंज की जो बिसात बिछाई थी उस पर वो बाजी जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनना और अपनी पसंद के नेता को अध्यक्ष बनवाना इसके प्रमाण के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे दोनों महत्वपूर्ण पद गढ़वाल के दे दिए जाने पर हरीश रावत की सहमति के पीछे भविष्य की रणनीति रही। अक्सर ये दोनों पद एक मंडल में होते नहीं है, लेकिन हरीश रावत ने ये इसलिए होने दिया ताकि चुनाव के लिए गठित होने वाले चुनाव संचालन समिति की कमान अपने पास हो रहे और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष को ही अमूमन तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी माना जाता रहा है। चुनाव प्रचार समिति में भी ज्यादातर नेता हरीश कांत के ही हैं। कोषाध्यक्ष के लिए आर्यन्द्र शर्मा का नाम हरीश खेमे को झटका देने वाला है। तिलक राज बेहद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पंजाबी लोगों में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। बेहद उत्तम सिंह नगर जिले से आते हैं और वो एक बार फिर कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। इसके अलावा जीत राम को भी हरीश रावत का करीबी माना जाता है। जीत राम अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के लिए रंजीत रावत का नाम चौंकाने वाला है। कि राष्ट्र नेतृत्व ने जो दायित्व तो मुझे सौंपा है, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूँ, और जिन साथियों को दायित्व सौंपा गया है उन तमाम साथियों का और हम सबका दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस के तमाम लोगों को साथ लेकर के 2022 में
इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले तो अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री प्रीतम सिंह जी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री हरीश रावत जी, इन सभी को आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और निश्चित तौर पर अपने हाईकमान का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास जताते हुए, मुझे लगता है कि इन सभी नेताओं के सामूहिक नेतृत्व से और इन सभी नेताओं के मिलजुल कर सानिध्य में और मार्गदर्शन में कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट होकर 2022 की जो जंग है वो जीतेंगे और यहाँ पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना करेंगे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन, संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं, वो बदलाव पार्टी हित में कम, नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं। क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी, उन सबका तुष्टिकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भविष्य में व्यक्तिगत टकराव बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का टकराव होगा और इसके अंदर अंतरकलह और बढ़ेगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। आज सुबह कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। पद संभालते ही सिद्धू ने हुंकार भरी और कहा कि उनका मिशन पंजाब को जिताना है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा है, सबसे बड़ा मसला यही है। सिद्धू ने कहा कि कार्यकर्ता के विश्वास में भगवान की आवाज है, हम कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि क्यों चोरों की चोरी पकड़ी ना जाए, क्यों महंगी बिजली खरीदी जाए। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी प्रधानी का सबसे बड़ा मिशन किसानों को ताकत देना ही है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच दोनों ने मंच भी साझा किए। बता दें, पंजाब कांग्रेस के नए वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह कुलजीत नागरा कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने गए थे, जो उन्होंने स्वीकार कर दिया था। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान की मर्जी के बाद भी उन्हें काफी दिनों तक पंजाब कांग्रेस की कुर्सी पर बैठने के लिए इंतजार करना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी कि सिद्धू को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अब केंद्रीय आलाकमान ने निर्देश पर ही सभी कांग्रेसी नेता एक साथ एक मंच पर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस का पद मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अमृतसर, नवांशहर समेत कई इलाकों का दौरा भी किया। तो बता दें, लंबे इंतजार के बाद आज सिद्धू की ताजपोशी जो है वो हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का पद आज से सिद्धू ने संभाल लिया है। हालांकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू से नाराज चल रहे हैं, तो वो इनके आज ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर को आमंत्रित किया गया तो वो आज वहां पर पहुंचे। हालांकि सिद्धू ने जब मंच से हुंकार भरी तो कैप्टन का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच अब भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो जारी है। दरअसल पिछले काफी दिनों से ये उठापटक जो है कांग्रेस में चल रही थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी उठापटक चल रही थी। इस बीच लगातार जब सिद्धू का नाम सामने आ रहा था तो कैप्टन इस नाम से राजी नहीं थे, लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस नाम पर मोहर लगा दी गई तो कैप्टन को इस नाम पर हामी ही बननी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी कैप्टन ने सिद्धू को बधाई नहीं दी थी। उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि कैप्टन जो है वो सिद्धू के ताजपोशी कार्यक्रम समारोह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज कैप्टन भी उस समारोह में शामिल हुए थे, जिसके बाद सिद्धू ने जब स्टेज से हुंकार भरी तो सिद्धू ने भी कैप्टन का नाम नहीं लिया। साथ ही बता दें, पंजाब कांग्रेस के नए वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह कुलजीत नागरा कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कैप्टन ने ये न्योता भी स्वीकार कर लिया था और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधते रहे। आज जब स्टेज से नवजोत सिंह सिद्धू बोले थे तो वो हमला बोलते ही कैप्टन पर नजर आए। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान की मर्जी के बाद भी उन्हें
काफी दिनों तक पंजाब कांग्रेस की कुर्सी पर बैठने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी दरअसल कि सिद्धू को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वहीं जब अब केंद्रीय आलाकमान के निर्देश पर सभी कांग्रेसी नेता एक स्टेज पर एक साथ पहुंच गए तो ये सब देखकर चौंक गए थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अमृतसर, नवांशहर समेत कई इलाकों का दौरा भी किया था। जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है ईटीटी टीचर खड़े हुए सड़कों के उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने नर्सा रेंड उठानी, मसला है कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे धरने दे बैठे, ये मसला है। तो बता दें काफी लंबे समय से चल रही उठापटक के बाद आज सिद्धू की ताजपोशी हो चुकी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहां पहुंचे, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन हो सकता है नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब उन्हें आमंत्रित किया गया तो वो पहुंचे। और आज सुबह कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाल लिया है। साथ ही पद संभालते ही सिद्धू ने हुंकार भी भरी और कैप्टन पर भी उन्होंने निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा मिशन पंजाब को जिताना है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा है और सबसे बड़ा मसला यही है कि बीते कई महीनों से दिल्ली की सड़कों पर किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। साथ ही सिद्धू ने कहा कि कार्यकर्ता में विश्वास में भगवान की आवाज है, हम कार्यकर्ताओं की आवाज को भी सुनेंगे। ये तमाम बातें जो हैं सिद्धू की तरफ से की गई जब उनकी ताजपोशी हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।